हेलो गाइस, मैं वैशाली धानिक स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। और आज बर्थडे स्पेशल में हम बात करने जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती जी की। बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं। वो 16 जून 1950 को कोलकाता में पैदा हुए थे। वो आज अपना 73rd बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। उन्होंने 1976 में एक ड्रामा मृग्या से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी फिल्म डिस्को डांसर से बॉलीवुड को पहली 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली फिल्म दी। वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही दरियादिल इंसान भी हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती अपने समय के लीडिंग एक्टर्स में से एक रहे हैं और उनकी पत्नी योगिता बाली भी काफी फेमस है। मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती के बाद नमोशी भी अपनी बॉलीवुड जर्नी शुरू कर चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बॉलीवुड करियर में कुछ हिट तो कुछ फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन इसके बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं पड़ी। आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती के दरिया दिली के किस्से भी काफी मशहूर हैं। आज मिथुन चक्रवर्ती अपना 73rd जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती के तीन बेटे मिमोह, नमोशी और इश्मय हैं और उनकी एक बेटी दिशानी है। अभिनेता के दो बेटे जहां अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं, वहीं बेटी दिशानी के बॉलीवुड डेब्यू की भी अक्सर चर्चा होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिशानी मिथुन की गोद ली बेटी है, जिसके पीछे का किस्सा भी दिल को छू देने वाला है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती एक बंगाली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने कूड़े के ढेर में मिली एक बच्ची की खबर पढ़ी। इस खबर को पढ़ते ही मिथुन चक्रवर्ती का दिल दहल गया और उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि वो कूड़े के ढेर में मिली इस बच्ची को अपनाएंगे। इसके बाद अभिनेता ने ना सिर्फ दिशानी को अपनाया, उन्होंने उसको अपना नाम भी दिया और अच्छी परवरिश भी की और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। दिशानी आज हायर स्टडीज के लिए विदेश में पढ़ रही है और आज वो एक लग्जरी लाइफ जी रही है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे भी उन्हीं की तरह दरिया दिल और साफ मन के हैं। तीनों भाइयों ने अपनी बहन दिशानी को हमेशा ही प्रेम से रखा और वो अक्सर सोशल मीडिया पे उनके साथ फोटोज क्लिक करके शेयर करते रहते हैं। एक अनाथ बच्ची को गोद लेके उसकी जिंदगी बदल के मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत भलाई का काम किया है। इस बात से ये जाहिर होता है कि मिथुन चक्रवर्ती बस रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक हीरो हैं। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से मिथुन जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगी। और आज के लिए हमारी रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट नाइन लाइव में। धन्यवाद।